नमस्कार, मैं क्षितिजा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच पर सट्टा चला है चर अरेस्ट। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच के दौरान सट्टे की खालीबार करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टीवी, मोबाइल अन्य समेत अन्य सामान जब्त किए। आरोपियों के नाम बाबा बुद्ध नगर निवासी मोबिन, यादव नगर निवासी फिरोज नूर मोहम्मद बख्शी, मोहम्मद नगर निवासी नर्सो सेवराम वासवानी बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सट्टा मोबिन के घर शुरू हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस ने कुल टीवी मोबाइल समेत 1,18,100 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई PI अशोक मेश्राम आदि द्वारा पूरी की गई। दूसरी घटना में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की बदनामी। नागपुर के एक युवक द्वारा सावनेर की युवती की नकली फेसबुक आईडी बनाकर बदनामी करने का मामला सामने आया है। सावनेर की 18 वर्षीय पीड़ित युवती को युवती के अनुसार अंबेडकर चौक नंदनवन नागपुर निवासी सूरज गोपाल कठाने पिछले 3 साल से उसका पीछा कर रहा था। वह मोबाइल पर युवती को बार बार फोन करके उसे शादी करने के लिए कहता था। युवती ने उसे शादी करने के लिए मना किया तो सूरज ने फेसबुक पर युवती के नाम की फर्जी आईडी बनाई और उस पर उसके आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर दिए, जिससे उस युवती को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आखिर युवती ने सामने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गुना दाखिल किया है और उसे धारा 354, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस हवलदार गौतम मेश्राम मामले की जांच कर रहे हैं। नागपुर में 2 भाइयों की मौत। नागपुर से काटोल की ओर तेज गति से आने वाली 4 व्हीलर गाड़ी का हाथला परिसर में एक वाहन को ओवरटेक करते समय संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे वह पलटे खाती हुई पेड़ से जा भिड़ी। कार में सवार 2 नागपुर के सगे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह घायल हैं। न्यू कैलाश नगर निवासी पुंकेश पाटिल और संकेत पाटिल बताए गए हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।